हेलो गाइस, वेलकम टू इन दिस चैनल। इस वीडियो में हम आपके प्रयोगशाला एग्जाम के भौतिक शास्त्र पाठ के विद्युत धारा एवं परिपथ तथा चुंबकीय क्षेत्र टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न लेकर आए हैं। यदि आप इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मैं आपको एक बहुत ही अच्छे ऐप से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। इस ऐप का नाम है एनालाइजर ऐप। यह ऐप आपके प्रयोगशाला एग्जाम के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज विद हाई क्वालिटी में प्रोवाइड करती है। इस ऐप की खास बात यह है कि इसके टेस्ट सीरीज के सभी प्रश्नों के आंसर फुल डिस्क्रिप्शन के साथ दिए हुए हैं। हाल ही में हुए सीजीपीएससी के एग्जाम से इसे 32 क्वेश्चन सीधे तौर पे पूछे गए थे और सीएमओ से भी ऐसे अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे। सो गाइस, एग्जाम के कट ऑफ को देखते हुए यह ऐप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। और जो बच्चे एनटीपीसी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल करा दी गई है। तो जाइए, इस ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही कम समय बचा है गाइस, तो जितना हो सके उतना इस ऐप का लाभ उठा लीजिए। ऐप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही संबंध दर्शाता है। देखिए, चार ऑप्शन है, इसमें ओल्ट है। ओल्ट का संबंध कौन सा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू। एक ओल्ट बराबर क्या होता है, 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ओके गाइस, याद रखेंगे ओल्ट बराबर क्या होता है, जूल अपॉन कूलम। ओके, यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में एक जूल कार्य किया जाता है तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर एक वोल्ट होता है। ओके, याद रखेंगे वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, जूल अपॉन कूलम। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वोल्टता से आवृत्ति परिवर्तक द्वारा किसी प्रकार का प्रमाणांतरण किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वोल्टता से आवृत्ति परिवर्तक द्वारा किस प्रकार का प्रमाणांतरण किया जाएगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन थ्री, स्पंद क्रोड प्रमाणांतरण। ओके, जो स्पंद क्रोड प्रमाणांतरण होता है वह उल्टता के आवृत्ति परिवर्तक द्वारा किया जाता है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह सर्वप्रथम अवलोकित किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रवाह है उसको सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया, किसने खोजा, किसने बताया सर्वप्रथम, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, ऑर्स्टेड द्वारा। किसने, ऑर्स्टेड द्वारा। देखिए, किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाह होता है तो उस चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है। इसको किसने बताया, इसको ऑर्स्टेड ने सन 1820 में बताया। इसने प्रयोग द्वारा पता लगाया कि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके पास एक चुंबकीय सुई ले जाते हैं तो क्या होता है, चुंबकीय सुई आप एक विक्षेपित होने लगती है। ओके, और चुंबकीय सुई कब विक्षेपित होती है, जब उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र हो। इस प्रयोग द्वारा ऑर्स्टेड ने बताया कि किसी विद्युत धारा के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है। जो फ्यूज तार होती है घरों में, जो विद्युत परिपथ में फ्यूज तार लगाई जाती है, उसका प्रमुख लक्षण क्या है या प्रमुख गुण क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन फोर, न्यूनतम प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक। ओके, जो फ्यूज तार होती है उसकी प्रतिरोधता क्या होती है, बहुत कम होती है। रेजिस्टेंस पावर क्या होती है, बहुत कम। और गलनांक क्या होती है, वो भी बहुत कम होती है। देखिए, फ्यूज तार क्या होता है, फ्यूज तार जब विद्युत परिपथ में लगी रहती है, ओके, जब विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट द्वारा या ओवरलोडिंग द्वारा अधिक विद्युत प्रवाहित होती है तो यह फ्यूज तार क्या होती है, बहुत कम गलनांक होता है, इसलिए इसमें ताप बढ़ती है तो इसलिए टूट जाती है। ओके, फ्यूज तार टूटने से विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है, जिससे होने वाली क्षति, दुर्घटना, इनसे क्या होती है, हानि बच जाती है, इसलिए फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह किस प्रकार से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन के कारण। देखिए, धातु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, उसी के कारण विद्युत का प्रवाह होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होते हैं, यह भी याद रखेंगे, यह ऋण आवेश से प्लस आवेश की ओर बहती है। ओके, तो किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण विद्युत का प्रवाह होता है किसी भी तार में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है उसे कहते हैं, क्या बोला गया है, फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है उसको क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू। अब क्या होता है, ग्रहणशीलता चुंबकीय, फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात होता है। ओके गाइस, याद रखेंगे, फ्लक्स घनत्व क्या होता है, तो किसी एकांक क्षेत्रफल पर चुंबकीय बल रेखाएं की जितनी भी मात्रा उसमें से गुजरती है उसको फ्लक्स घनत्व या फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। ओके, इसका कारण होता है ग्रहणशीलता। ओके, इस क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है कौन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र। देखिए जो गतिशील विद्युत आवेश है क्या क्या उत्पन्न करता है, यह विद्युत भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। ओके, नियम ओम के नियम के अनुसार किसी परिपथ में यदि विद्युत धारा प्रवाहित करती है तो क्या होता है, उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है। तो इस कारण इसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र क्या दोनों उत्पन्न हो जाती है, किसके कारण, आवेश के प्रवाहित के कारण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का कार्य होता है। अब देखिए विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का मुख्य कार्य क्या होता है, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, अत्यधिक विद्युत धारा को प्रवाहित होने से रोकना। ओके, इसका मुख्य कार्य होता है विद्युत धारा में अत्यधिक विद्युत धारा को प्रवाहित होने से रखना और दुर्घटना से बचाना। मुख्यतः फ्यूज तार में क्या क्या तत्व तो इस्तेमाल किए जाते हैं ये भी याद रखेंगे, जिसमें जिंक, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम और बहुत से अलॉय का उपयोग किया जाता है फ्यूज तार में। ओके, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन विद्युत रोधी नहीं है, ये चार ऑप्शन है, इसमें से विद्युत रोधी कौन से नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, चारकोल। चारकोल क्या है, विद्युत रोधी नहीं है। ओके, इस प्रकार भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान निम्नलिखित में से कौन विक्षेपित नहीं हो सकता। देखिए चार ऑप्शन है, इसमें पूछा गया है चुंबकीय क्षेत्र में यदि ये सभी गति करते हैं तो कौन अपनी गति से विक्षेपित नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। क्या है, न्यूट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होने के गति कराएंगे चुंबकीय क्षेत्र में, तो यह अपनी गति या अपने दिशा से क्या नहीं होता, विक्षेपित नहीं होता। क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होते, बाकी प्रोटॉन, अल्फा कण और कैथोड के नहीं, इसमें धन आवेश या ऋण आवेश होते हैं और आवेश के कारण यह आकर्षित या प्रतिकर्षित होती है, लेकिन न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता, आवेश रहित होती है, इसलिए यह विक्षेपित नहीं होती, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक विद्युत 60 वाट एवं 230 वोल्ट निर्दिष्ट है, यदि एक यूनिट जिसे किलोवाट हावर बोलते हैं, एक यूनिट का मूल्य 1.25 रुपए है हो तो 8 घंटे तक इसका उपयोग करने पर कितना व्यय होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। इसमें देखिए इसमें क्या निकालना रहता है, इसमें यूनिट निकालना रहता है और इसमें दे दिया गया है एक यूनिट का मूल्य 1.25 रुपए है, तो पहले हम निकालेंगे यूनिट और यूनिट का फिर मल्टीप्लाई करेंगे इस रुपए से, तो क्या हो जाएगा, यूनिट का फार्मूला क्या होता है, यूनिट को क्या बोलते हैं, किलो वाट हावर। ओके, जिसकी फार्मूला होती है वाट इंटू घंटे, और यदि समय दिया रहता है 3 दिन तक या 4 दिन तक, तो उसमें दिन का भी क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ देख लेंगे यूनिट का फार्मूला था वाट इंटू कितने घंटे, और उसको क्या करेंगे 1000 से फिर भाग देते हैं, तो कितने वाट का था, तो वो बल्ब वो था 60 वाट का। ओके, और कितने घंटे चले थे, तो 8 घंटे, तो इस प्रकार इसको 60 इंटू कितने करेंगे 8, और इसको कितने 1000 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कैंसिल होके 0.48 होगा। ओके, ये सॉल्व करने पे इतना आएगा। अब देखिए ये कितना, ये जो निकला है 0.48, वह क्या हो जाएगा, वह एक यूनिट हो जाएगा। ओके, और एक यूनिट का मूल्य कितना है, तो एक यूनिट का मूल्य है 1.25, तो इसको क्या करेंगे 1.25 से इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखिए मूल्य निकालने के लिए 0.48 यह हो गया इसका यूनिट, और एक यूनिट का मूल्य कितना होता है इतना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.60 ये हो जाएगा रुपए। तो इस प्रकार से यूनिट निकाली जाती है। ओके गाइस, तो यूनिट के लिए फार्मूला याद रखेंगे, सिंपल सा फार्मूला है वाट इंटू घंटे, और यदि दिन दिया रहेगा 5 दिन 7 दिन, तो इसको 7 करेंगे, और महीने दिया रहता है तो इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते जाते हैं, और उसको लास्ट में 1000 से डिवाइड करते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा इसका, इसका आंसर क्या था, ऑप्शन 2, 0.60 रुपए। ओके, इस टाइप से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी प्रतिरोध तार को खींचकर लंबाई में दोगुना कर दिया जाता है, उसके प्रारंभिक तथा अंतिम प्रतिरोधों में अनुपात क्या होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्या बोला गया है इसमें, किसी प्रतिरोध तार को खींचकर लंबाई में दोगुना कर दिया जाता है, उसके प्रारंभिक तथा अंतिम प्रतिरोधों में अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले देख लीजिए, मान लीजिए कोई तार है और तार का प्रतिरोध उसके क्या क्या चीज़ पर निर्भर करती है, तो याद रखें कि तार का प्रतिरोध उसके लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, मान लीजिए एक ये लंबी तार है। ओके, और ये तार की जो मोटाई होती है, उसका जो गोलाई होती है, यहाँ का जो क्षेत्रफल होता है उसको बोलते हैं
अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ओके, तो यह होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और ये जिसकी होती है वो होती है उसकी लंबाई। तो तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। तो इसके लिए देख लेते हैं, प्रतिरोध बराबर क्या होता है, आर इक्वल टू के जो होगा, ये होगा विशिष्ट नीतांक, और एल होगा तार की लंबाई, और एक होगा उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये होता है उसके लिए फार्मूला। आपको जितने भी इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे इस फार्मूले से आप सभी को बना सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, इसमें एल तार की लंबाई हो जाएगी, ए उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तथा के क्या हो जाएगा, विशिष्ट नीतांक का प्रतिरोध। ओके, अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, लंबाई दुगनी करने से तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा रह जाएगा, क्योंकि तार का आयतन नियत है। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए किसी तार की लंबाई इतनी है, मान लीजिए 2 मीटर, ओके, और इसकी मोटाई मान लेते हैं इसकी मोटाई है 1 सेंटीमीटर, ओके। अब इसी तार को और खींचकर हम 2 से 4 मीटर लंबी करेंगे तो इसकी मोटाई क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर से कितनी 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगी, मतलब और आधी हो जाएगी। तो यही यहाँ पे बोल रहा है, लंबाई दोगुनी करने से तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधा रह जाएगा। ओके, किसी भी तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो उसका मोटाई क्या होगी, कम होगी, मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम हो जाएगा। तो यहाँ फार्मूले में सीधे से रखेंगे क्या हो जाएगा, फार्मूला आर इक्वल टू, देखिए लंबाई को दुगनी कर दिया मतलब 2L ले लिए, ओके, लंबाई, और लंबाई को 2L करने से उसकी एरिया जो हो जाएगी वो आधी हो जाएगी। तो A को किससे डिनोट, A को 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब एरिया क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो इस प्रकार यह 2 क्या चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा। तो इस प्रकार कितना हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा 4L अपॉन A इक्वल टू 4R, मतलब जो प्रतिरोध निकलेगा वो क्या हो जाएगा, 4R। अब इसमें बोला गया है प्रथम R और अंतिम प्रतिरोध, प्रथम प्रतिरोध और अंतिम प्रतिरोध के अनुपात क्या होंगे। तो प्रथम प्रतिरोध हम मान लेते हैं 1, और जो अभी प्रतिरोध निकाले वो कितना निकाल लिया, 4, ओके, तो 1:4 हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार होगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, 1:4 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें बोला गया था प्रारंभिक तथा अंतिम प्रतिरोधों में अनुपात, तो प्रारंभिक प्रतिरोध 1 थी और अंतिम प्रतिरोध हम जो निकाले वो क्या थे, 4R, ओके, तो इस प्रकार 1:4 इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यदि किसी तार की लंबाई में वृद्धि कर दी जाए तो उसके प्रतिरोध कम होगी या ज़्यादा होगी, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर प्रतिरोध का क्या महत्व होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 200 वोल्ट के बिजली बल्ब से 3 एम्पियर की विद्युत धारा बहती हो तो उसमें कितना शक्ति का ह्रास हो रहा है। इसमें पूछा गया कितना शक्ति का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। शक्ति का ह्रास हो रहा है मतलब, कहने का मतलब है कितनी शक्ति उसमें उस विद्युत धारा में प्रवाहित हो रही है। तो देखिए शक्ति क्या होती है, पावर, पावर इक्वल टू क्या होता है, वोल्ट इंटू क्या होता है, एम्पियर। सीधी से है ये फार्मूला है, पावर इक्वल टू क्या होता है, वोल्ट इंटू एम्पियर। वोल्ट कितना दिया है, 200 वोल्ट, और एम्पियर कितना दिया है, आई का मान 3 दिया है। तो 200 इंटू क्या करेंगे, 3 करेंगे, कितना हो जाएगा, 600, ओके, 600 वाट, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो याद रखेंगे पावर इक्वल टू होता है वोल्ट इंटू एम्पियर का गुणनफल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायनमो इससे परिवर्तित करता है, यह आपके डायनमो विद्युत जनित्र यह आपके सिलेबस में दिए हैं। डायनमो क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। याद रखेंगे डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और अल्टरनेटर क्या होता है, अल्टरनेटर भी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, लेकिन अल्टरनेटर में एसी करंट जो बनती है वो एसी करंट प्रोड्यूस होती है, और डायनमो में डीसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रकार के किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 4 किरणें दिए हैं उसमें से सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य कौन से विकिरण के होते हैं, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, रेडियो तरंगों के। ओके, रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, बाकी सभी की तुलना में सबसे अधिक होती है। ओके गाइस, दिए गए विकल्पों में इसका क्या होता है, लंबे तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, इसका उपयोग रेडियो टेलीविजन में किया जाता है, यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में सर्वोत्तम ताप सुचालक कौन सा है। तो देखिए ताप का सुचालक दिए गए विकल्पों में से सर्वोत्तम क्या है, चांदी। चांदी सबसे अधिक ताप का सुचालक होती है, ताप और विद्युत की दोनों के सबसे अधिक या सर्वाधिक सुचालक होती है। सेकेंड नंबर पर आता है आपका कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे, क्या बोला गया है, आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुएं, 2 आवेशित वस्तु आपस में जुड़ी है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, क्यों नहीं होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, समान विभव होने पर। यदि दोनों आवेशित वस्तुओं के आवेश क्या होंगे, समान होंगे, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। यह ओम के नियम के अनुसार है। ओम के नियम क्या कहती है, देखिए
ओम के नियम के अनुसार किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर V और उनमें प्रवाहित धारा I हो तो V अनुक्रमानुपाती आई होती है। कहने का मतलब है दोनों के सिरों के बीच विभवांतर में अंतर होता है, एक का विभव अधिक और एक का विभव कम होगा, मतलब विभवांतर में अंतर होगा तभी वहाँ पे क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और इसमें यदि दोनों का विभव समान हो जाए तो वहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। ओके गाइस, इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत बल्ब का तंतु सामान्यतः टंगस्टन का बना होता है क्योंकि, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है। देखिए जो विद्युत बल्ब होती है, घरों में बल्ब लगती है, उसका जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का। टंगस्टन का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसकी गलनांक बहुत अधिक होती है। यदि इसकी गलनांक बहुत कम होगी तो थोड़ी सी जलने पर यह क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। और इसका गलनांक कितना होता है यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसका गलनांक होता है 3140 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी याद रखेंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत मापी हो सकता है, विद्युत मापी क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, हो सकता है पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, एक सूक्ष्म कंप्यूटर हो सकता है। देखिए क्या होता है, बिजली के आधुनिक मीटर में एक माइक्रो कंप्यूटर LCD एवं या एक ऑप्टिकल पोर्ट होता है। LCD में एक ऑनबोर्ड कंट्रोलर और LCD रोम भी होता है। यह एक सूक्ष्म कंप्यूटर की तरह होता है जो विद्युत मापी का कार्य करती है, यह आधुनिक मशीनों में उपयोग की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विद्युत का बेहतर संचालक कौन सा है, विद्युत का बेहतर संचालक जो चार ऑप्शन है इसमें से सबसे सर्वाधिक संचालक कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लवण जल। क्या होता है, दिए गए विकल्पों में सबसे सर्वाधिक और श्रेष्ठ संचालक होता है लवण जल। ओके, लवण जल में सोडियम क्लोराइड मिली होती है जिसमें सोडियम प्लस आवेश का कार्य करती है और जो क्लोराइड होती है उसमें माइनस आवेश चार्ज होती है, इसलिए इसमें विद्युत का चालक सबसे बेहतर होता है। ओके गाइस, याद रखेंगे। और बाकी जो देखेंगे निस्यंदित जल, आसुत जल, इनमें भी विद्युत प्रवाहित होती है लेकिन लवण जल की तुलना में इसमें क्या होती है, कम होती है, यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस, तो देखिए सामान्यतः विद्युत बल्ब में निक्रिय गैस भरी जाती है जैसे कि आर्गन, और आर्गन के साथ क्या भरी जाती है, नाइट्रोजन, यह भी याद रखेंगे। तो दिए गए ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 नाइट्रोजन। ओके, नाइट्रोजन, आर्गन, निक्रिय गैस भरी जाती है विद्युत बल्बों में। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CFL का पूर्ण रूप है, जो CFL यूज होती है उसका पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैम्प। ओके, याद रखेंगे कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैम्प CFL का फुल फॉर्म है। ओके, इस वीडियो में इतना ही गाइस, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच।